आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। थाना किदवई नगर के चौकी इंचार्ज की वसूली का मामला आया सामने। कानपुर के किदवई नगर में सलमान इलेक्ट्रॉनिक के पार्टनर शहजादे ने बताया कि आए दिन चौकी इंचार्ज और उनके हमराही उनसे कभी 200 तो कभी 500 मांगते हैं। अगर उनको पैसा ना दो तो चौकी इंचार्ज और हमराही उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। और शहजादे ने बताया कि हमने उनसे कहा कि हम आपकी शिकायत ऊपर अधिकारी से करेंगे, तो चौकी इंचार्ज ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। और शहजादे ने बताया कि वही हुआ, पीड़ित ने थाने में और सभी अधिकारियों को मैंने तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित दर दर भटक रहा है पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है, हमारी खबर चलने के बाद थाना किदवई नगर के चौकी इंचार्ज और उनके हमराही के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर इंडिया समाचार से हबीबुर रहमान की खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद सैयादे जूही सफ़ेद कॉलोनी 4/4 में रहता हूँ। किदवई नगर थाने के बगल में मेरी सलमान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मेरे भतीजे की दुकान है। मैं छोटा मोटा उसी में कार्य करता हूँ, अपने भी बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। 1:10 समय लगभग 7:30-8 के बीच में अजीत सिंह और नीरज कुमार लाल कॉलोनी चौकी प्रभारी हम मेरे आए दिन कहीं 400 कहीं 500 कहीं 300 मांग ले जाते हैं, जबरन मांगते हैं। मेरे पास हो या ना हो, काम हुआ हो या ना हुआ, मैं उनको वो पैसे मांग ले आते हैं और जबरन देना पड़ता है। बड़ा उनका आतंक है इस क्षेत्र में। 1:10/2021 समय लगभग 7:30-8 के बीच में अजीत सिंह नीरज कुमार चौकी इंचार्ज लाल कॉलोनी मेरे घर मेरे दुकान पे आए और मुझको गाली भद्दी भद्दी दे के बुलाया और बोला कि 2000 रुपये दो। मेरे पास में 2000 रुपये मैंने मना किया, मेरे पास में 2000 नहीं ना, मेरी जेब में कुल 550 रुपये औरत की दवा लाना है पड़े हैं। उन्होंने जेब में हाथ डाला और मेरे 550 रुपये मेरी जेब से निकाल लिए। मैंने विरोध किया, साहब ये बहुत गलत कर रहे हैं, गरीब आदमी इस तरीके से आप उत्पीड़न करते हैं, आए दिन 2-2, 4-4, 5-5 सौ रुपये मांगते हैं, बताइए हम कहाँ से ला के देंगे, ये गलत बात है। फिर हम कहीं पर इसकी बात को कह लें कि ऐसा है कहीं पर भी इसकी कोई बात को तुमने उठाया तो तुमको जो बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ेंगे और फर्जी मुकदमे इतने लाद देंगे, जेल में सलवार डालेंगे। अब बताइए साहब कि हम गरीब आदमी जो है पीड़ित कहाँ किससे फरियाद करेंगे, हम किससे जो हैगा इसकी जो हैगा कंप्लेन करेंगे। चौकी चार्ज की आपने कहीं अधिकारियों से शिकायत की? मैंने साहब जो हैगा मेल भी किया है सारे अधिकारियों को, मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी जो हैगा इंसाफ लेने इंसाफ मांगने के लिए और उस जो हैगा प्रभावशाली व्यक्ति नीरज कुमार और अजीत सिंह के लिए जो हैगा मैंने मांग करी कि जो है इनका जो हैगा उत्पीड़न क्षेत्र में बंद हो और हमें इंसाफ मिल सके। अभी तक की मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं कि इतने मुकदमे फर्जी लाद देंगे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। हम घर छोड़े भागे भागे फिर रहे हैं, कहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। मैं मीडिया से चाहूँगा कि मेरी जो हैगा ये शासन और प्रशासन तक की मेरी बात पहुँचावें और फर्जी मुकदमों से हमको जो है बचावें।